Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai, and we'll discuss the chapter 5 of In Custody, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this chapter. Guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of In Custody. Also we have discussed the summary and analysis of the previous chapters. So agar aap logon ne wo sari videos nahi dekhi aur aap dekhna chahte hain to maine apne channel par ek playlist create kar rakhi hai BE Honors English. उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग सभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर 5 ऑफ इन कस्टडी. सो गाइज, इन दिस चैप्टर देवेन गोज टू दिल्ली वेयर मुराद मॉक्स हिम फॉर हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो गाइज देखो, हमने चैप्टर 4 में देखा था कि नूर साहब देवेन को बुलाते हैं एक पोस्ट कार्ड भेज कर दोबारा से दिल्ली, और यहाँ पर जो देवेन है वो दिल्ली आ जाता है. दिल्ली में आकर जब वो मुराद से मिलता है, सो मुराद मॉक्स हिम फॉर हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मुराद उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है. एंड देवेन सेज दैट ही कैन नॉट वर्क एज अ सेक्रेटरी फॉर नूर एज ही हैज हिज फैमिली टू लुक आफ्टर देम. सो गाइस, देवेन यहाँ पर क्या बोलता है कि मुराद तुमने नूर साहब को बोला कि मैं उनके लिए वर्क करूँगा सेक्रेटरी की तरह, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरी खुद की भी फैमिली है जिनकी मुझे देखभाल करनी है, जिनका मुझे पेट भरना है. एंड गाइस, मुराद इज अग्रेसिव हियर बट देवेन डज नॉट एग्री टू इंटरव्यू. सो गाइस देखो, मुराद जो है देवेन की इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो, तुम नूर साहब का इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहते हो, तो वो यहाँ पर एंगर शो करता है. बट देवेन जो है इस चीज़ से भी एग्री नहीं करता है कि वो नूर साहब का इंटरव्यू लेगा. एंड देन मुराद चेंजेस हिज टैक्टिक्स एंड सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग देवेन. तो गाइस, यहाँ पर जो देवेन है वो अपना थोड़ा टैक्टिक्स चेंज करता है, बोलने चालने का ढंग चेंज करता है, और वो देवेन को सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लेता है. मतलब वो देवेन को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और यहाँ पर जो देवेन है वो अग्री करता है कि ठीक है, वो नूर साहब का इंटरव्यू करने के लिए चला जाएगा. एंड गाइस, इन द इवनिंग मुराद गोज टू नूर्स हाउस. सो गाइस, यहाँ पर ही मुराद नहीं देवेन होना था. इन द इवनिंग देवेन गोज टू नूर्स हाउस एंड फाइंड्स दैट द हाउस इज सेट टू सेलिब्रेट नूर्स वाइफ बर्थडे. सो गाइस, जो इवनिंग में देवेन है वो नूर साहब के घर जाता है और देखता है कि पूरे घर को सजा रखा है, बिकॉज जो नूर साहब की वाइफ है उनका बर्थडे था और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरा घर सजा रखा था. एंड देवेन ट्राइज टू हाइड हिमसेल्फ इन अ कॉर्नर, बट वेन मोर पीपल एंटर ही इज पुश्ड इन फ्रंट. ऑडियंस इज प्रेजिंग नूर्स वाइफ. सो गाइस देखो, नूर साहब की वाइफ का बर्थडे था और जो देवेन है वो अपने आप को एक कॉर्नर में छिपा कर रख रहा था. मतलब वो एक कॉर्नर में छिप कर खड़ा था, किसी के सामने नहीं जाना चाह रहा था. लेकिन जैसे ही कमरे में ज़्यादा लोग आते गए, भीड़ बढ़ती गई, तो जो देवेन है वो आगे खड़ा था और जो पीछे के लोग आते गए, धक्का मार मार कर उन्होंने पुश कर दिया देवेन को सबके सामने फ्रंट में. और वहाँ पर देवेन क्या देखता है कि नूर साहब की वाइफ को उनकी पोएट्री के लिए प्रेज किया जा रहा था. सो गाइस, देवेन सिट्स विद नूर एंड टेल्स हिम दैट ही रिसीव्ड हिज लेटर, बट नूर हैज़ फॉरगेटन हिज फेस. एज ही ट्राइज टू रिकलेक्ट ही आस्क इफ मुराद इज़ ऑल्सो कमिंग. सो गाइस देखो, देवेन जो है, मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद कि नूर की वाइफ की पोएट्री के लिए उसे प्रेज़ किया जा रहा है, मतलब देवेन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं देवेन को उनकी पोएट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. और इसीलिए देवेन देखता है कि जो नूर साहब बिल्कुल अकेले बैठे हैं, और देवेन नूर साहब के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि आपने मेरे पास जो लेटर भेजा था, मैंने वो लेटर रिसीव किया और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. सो नूर जो है वो भूल जाता है इस सब के बारे में, और साथ ही साथ वो देवेन का फेस भी भूल जाता है. बट जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है तो वो पूछता है क्या मुराद भी आ रहा है. एंड गाइस, देवेन वंडर्स हाउ इम्तियाज बिकम सो फेमस एंड इम्पॉर्टेंट दैट हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन सच अ ग्रैंड मैनर. सो गाइस देखो, नूर साहब उसके बाद पहचान जाते हैं देवेन को. सो गाइस देखो, देवेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक होता है, बहुत ज़्यादा वो चौंक जाता है कि जो नूर साहब की वाइफ है इम्तियाज बेगम, ये इतनी ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो बर्थडे इतनी ज़्यादा ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैंड बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया जा रहा था. एंड गाइस, देवेन फाइंड्स हिज पोएट्री एज नॉट वर्थ हिज टाइम. शी इज़ अपियर्ड एज ट्रेंड मंकी हु लर्न्ड द ट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो गाइज देखो, पहले तो देवेन शॉक होता है कि इम्तियाज बेगम इतनी फेमस हो गई कि उनका बर्थडे इतने ज़्यादा ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट हो रहा है, और साथ ही साथ देवेन को इम्तियाज बेगम की पोएट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और वो बोलते हैं कि वो इस तरीके से अपीयर हो रही है जैसे कोई ट्रेंड मंकी किसी बंदर को पूरा ट्रेंड करके स्टेज के ऊपर खड़ा कर रखा है और उसे बता दिया है कि किस तरीके से परफॉर्म करना है. कि मतलब देवेन के यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जो इम्तियाज बेगम हैं उन्होंने नूर साहब से हर चीज़ अच्छे से सीख ली है, ट्रेंड हो गई हैं वो नूर साहब से सीख सीख कर, और उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरीके से स्टेज पर परफॉर्म करना है. मतलब उन्हें परफॉर्म करने की ट्रिक्स आ गई हैं, और हर वर्सेस हर पोइट्री किस तरीके से परफॉर्म करनी है वो उन्होंने नूर साहब से सीख ली हैं. तो यहाँ पर देवेन बेसिकली यही कहना चाह रहा है. सो गाइस, देवेन सेज दैट शी लुक्स नो डिफरेंट देन अ प्रोस्टिट्यूट और अ डांसिंग गर्ल हुज एज कैन नॉट बी गेस्ड, हर फेस इज हिडन बिहाइंड अ
थिक लेयर ऑफ मेकअप। सो गाइस देवेन यहाँ पर क्या कहता है कि इम्तियाज़ बेगम लुक्स नो डिफरेंट देन अ प्रोस्टिट्यूट, कि जो इम्तियाज़ बेगम है वो किसी प्रोस्टिट्यूट से कम यहाँ पर नहीं लग रही हैं या फिर कोई डांसिंग गर्ल। जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स। सो यहाँ पर जो देवेन है वो यही कहता है कि इम्तियाज़ बेगम ऐसी लग रही हैं जैसे वो कोई प्रोस्टिट्यूट या डांसिंग गर्ल हैं, और जिसकी एज हम यहाँ पर गेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके फेस के ऊपर इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है कि उनकी रियल एज बताना मुश्किल है। एंड गाइज ड्यूरिंग हिज ड्रिंक नूर टेल्स हिम दैट इनिशियली शी वुड सिट क्वाइटली एंड लर्न फ्रॉम हिम। नूर अक्यूजेज हर ऑफ स्टीलिंग हिज हाउस हिज ऑडियंस एंड हिज सिटिंग। सो गाइज देखो जो नूर साहब है वो ड्रिंक करते करते देवेन को क्या बताते हैं कि पहले मतलब इनिशियली जो इम्तियाज़ बेगम थी वो नूर साहब के पास चुपचाप बैठ जाती थी और उनसे पोइट्री सीखा करती थी, बट नाउ कि मतलब नूर साहब यहाँ पर अपनी वाइफ को अक्यूज़ कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब इम्तियाज़ बेगम ने उनसे उनका घर भी एक तरीके से चुरा लिया है, उनकी ऑडियंस भी चुरा ली है, और उनकी सिटिंग जहाँ पर बैठकर वो पोइट्री किया करते थे वो सिटिंग भी चुरा ली है, कि मतलब उनकी ऑडियंस उनका घर हर कुछ इम्तियाज़ बेगम ने उनसे छीन लिया है। कि पहले उन्होंने नूर साहब से सीखी हर चीज़, हर ट्रिक हर टैक्टिक सीख ली, और अब उन्होंने उन्हीं की ऑडियंस और उन्हीं की पोइट्री उन्हीं का घर सब कुछ उनसे छीन लिया है। सो गाइस देन नूर कर्सेस एंड अब्यूजेस हिज वाइफ। देवेन इंटरप्ट्स नूर दैट ही हैज सेंट बाय मुराद टू टेक डाउन समथिंग दैट नूर माइट डिक्टेट टू हिम। सो गाइस देखो यहाँ पर जो नूर साहब है अपनी वाइफ को अक्यूज़ करने के बाद उसे कर्स करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मतलब उसे कोसते हैं, गालियाँ देते हैं अपनी वाइफ को, और देवेन उसके बाद उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि देवेन को यहाँ पर मुराद ने भेजा है ताकि वो कुछ पोइट्री या कुछ वर्सेस नोट कर सके जो नूर साहब उसके लिए डिक्टेट करेंगे, नोट डाउन करने के लिए डिक्टेट करेंगे। सो गाइस नूर सेज दैट ही हैज सो मैनी पोम्स बट ही वॉन्ट टू शेयर दैम विद द राइट पर्सन बट नॉट इम्तियाज़ बीबी। सो गाइस देखो नूर साहब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ही हैज सो मैनी पोएम्स, उनके पास बहुत सारी पोएम्स बहुत सारी पोइट्रीज हैं, बट वो इन सब पोइट्री और पोएम्स को किसी राइट पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं और वो इनको इम्तियाज़ बीबी के साथ तो किसी भी हालत में शेयर नहीं करना चाहते। सो गाइज एज देवेन वेट्स फॉर द पोइट टू बिगिन टेलिंग हिम समथिंग दैट ही माइट वॉन्ट टू राइट डाउन, इम्तियाज़ बीबी हर्ल्स हरसेल्फ इन टू द रूम। शी स्टार्ट्स टॉन्टिंग हर हस्बैंड दैट हाउ जेलस ही इज़ फ्रॉम हर पॉपुलैरिटी। She starts counting the money that have been showered on her. So guys, देखो जैसे ही नूर साहब देवेन को कुछ डिक्टेट करने वाले थे ताकि देवेन नोट डाउन कर सके, उस रूम में आ जाती हैं इम्तियाज़ बीबी, और इम्तियाज़ बीबी आकर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है नूर साहब को, टॉन्ट करती है, ताना मारती है कि तुम तो मेरी पॉपुलैरिटी से जलते हो, मेरी ऑडियंस मुझे प्रेज करती है, ये चीज़ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, तुम मेरी पॉपुलैरिटी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो बल्कि तुम उससे जेलस हो रही हो। और वो नूर साहब को ये सब चीज़ें बोलने के बाद, टॉन्ट करने के बाद, वो पैसे गिनना शुरू कर देती है जो कि उसकी ऑडियंस ने उसके ऊपर शावर किए थे जब वो परफॉर्म कर रही थी, पोइट्री कर रही थी। सो गाइज इम्तियाज़ वॉइस इज सो हाई पिचेस दैट देवेन फियर्स। सो गाइज देखो इम्तियाज़ बीबी की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा हाई पिच थी, इतना ज़्यादा वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि देवेन एक तरीके से डर जाता है। एंड देन नूर्स फर्स्ट वाइफ एंटर्स एंड देयर बिगिंस अ कैट फाइट बिटवीन दैम। सो गाइज देखो इम्तियाज़ बीबी की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है, एक तो देवेन डर जाता है, और उनकी आवाज़ सुनकर नूर साहब की जो पहली बीवी होती हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं, मतलब वो भी उस रूम में आ जाती हैं और वो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड पर इतनी ज़्यादा चिल्ला रही हो, इतना ज़्यादा चीख रही हो, ये कौन सा मतलब है इनसे इस तरीके से बात करने का, क्या तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। इस तरीके से गाइज उनके बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर इस फाइट को क्या कहा गया है, कैट फाइट, कि मतलब बिल्लियों की तरह वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं, कि मतलब एक दूसरे के बाल खींचना और इस तरीके का इंसिडेंट होता है कि वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाती हैं। सो गाइस देवेन एस्केप्स एंड ही नरेट्स दिस इंसिडेंट टू मुराद हु टोल्ड हिम दैट ही शुड स्टे देयर। सो गाइस देखो देवेन जो है वहाँ से डरकर भाग जाता है और वो ये सारा इंसिडेंट नरेट करके सुनाता है मुराद को, और मुराद उसे क्या बोलता है कि तुम्हें वहाँ और रुकना चाहिए था और ऑब्जर्व करना चाहिए था कि क्या क्या हो रहा था। सो गाइस देवेन इज ग्रीव्ड एंड सेज दैट ही हैज़ अ फैमिली टू फीड एंड लुक आफ्टर। सो गाइस मुराद यहाँ पर जब देवेन को बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर रुकना चाहिए था, हर चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए थी क्योंकि तुम इंटरव्यू ले रहे हो तो हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और देवेन यहाँ पर क्या कहता है कि उसकी भी फैमिली है जिसका उसे ध्यान रखना है, पेट भरना है, लेकिन फिर मुराद उसे दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है एंड देन ही सेज दैट ही इज़ हिज लिटरेरी हीरो एंड ही अग्रीज। और गाइज यहाँ पर जो देवेन है वो दोबारा से मैनिपुलेट हो जाता है और क्या कहता है कि नूर साहब उसके लिटरेरी हीरो हैं और वो किसी भी हालत में उनका इंटरव्यू लेगा, और इसीलिए वो इंटरव्यू लेने के लिए अग्री कर लेता है। एंड देन मुराद सजेस्ट हिम
to have a tape recorder. Devin is disgusted with the idea and says that it is not cinema. सो गाइज देखो जो मुराद है वो देवेन को सजेस्ट करता है कि तुम एक टेप रिकॉर्डर ले लो ताकि तुम हर चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड कर सको और फिर तुम उसे एडिट करके मुझे दे देना, मैं उसे पब्लिश या जो भी कुछ करना है मैं उसको कर लूँगा. मतलब तुम एक टेप रिकॉर्डर अरेंज कर लो ताकि तुम अच्छे से हर चीज़ रिकॉर्ड कर सको. सो गाइज जो देवेन है वो इस आइडिया से एकदम परेशान हो जाता है. वो कहता है ये तो बहुत डिस्गस्टिंग आइडिया है, ये कोई सिनेमा थोड़ी ना है कि मैं टेप रिकॉर्डर लेके हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँ. और गाइज इस बात पर मुराद मॉक्स हिम फॉर बीइंग स्टक इन द विलेज वर्ल्ड. सो गाइज यहाँ पर जो मुराद है वो देवेन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम अभी भी गाँव वाले लोगों की तरह छोटी सोच ही रखते हो. जो टेप रिकॉर्डर है उसका यूज़ सिर्फ सिनेमा में नहीं होता है और भी कई जगहों पर होता है, तुम अभी भी गांव वाली उस छोटी सोच से ही चिपके हुए हो. एंड मुराद सेज दैट देवेन कैन टेक टेप रिकॉर्डर होम, एडिट इट एंड ही विल नॉट ओनली हैव नूर्स पोइट्री बट ऑल्सो इन हिज ऑन वॉइस. सो गाइज यहाँ पर मुराद क्या कहता है देवेन को कि तुम एक टेप रिकॉर्डर ले लो, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग करो, उसे घर ले जाकर तुम एडिट करो और तुम उसमें सिर्फ नूर साहब की पोइट्री ही नहीं बल्कि अपनी खुद की आवाज़ में भी काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाओगे. एंड गाइज देवेन इनिशियली तो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है बट देन ही सेज दैट इट्स अ गुड आइडिया बट फ्रॉम वेयर दे विल गेट इट. सो गाइज देवेन यहाँ पर क्या कहता है बाद में कि हाँ ये अच्छा आइडिया है बट हमें टेप रिकॉर्डर मिलेगा कहाँ से. मुराद सेज दैट ही शुड यूज हिज माइंड, देवेन इज फर्दर ड्रॉन इन टू वेब. सो गाइज मुराद यहाँ पर कहता है कि इसके लिए तुम अपने खुद के दिमाग का यूज़ करो कि तुम कहाँ से अरेंज करोगे टेप रिकॉर्डर. और देवेन गाइज अपने आप को दोबारा से इस जाल में फंसते हुए पाता है कि वो तो इस जाल में फंसा ही जा रहा है. सो गाइज बेसिकली मुराद यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि तुम अपने माइंड का यूज़ करो कि मतलब तुम अपने कॉलेज से फंड ले लो इस चीज़ के लिए कि मुझे टेप रिकॉर्डर चाहिए नूर साहब की पोइट्री रिकॉर्ड करने के लिए, कि मतलब तुम्हारा कॉलेज तुम्हें फ़ंड दे ही देगा. ये यहाँ पर मुराद के कहने का मतलब था. और गाइज इस चीज़ से जो देवेन है वो और ज़्यादा जाल में फंसता चला गया और ये जो चैप्टर है इन कस्टडी का चैप्टर 5 यहीं पर एंड हो जाता है. एंड आई होप आप लोगों को इन कस्टडी का चैप्टर 5 क्लियर हो गया होगा. और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं दोनों ही चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.